तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एनसी टेबल को। एनसी टेबल क्या होता है, जिसके ऊपर पूरे कीबोर्ड का लेआउट बना हुआ है। तो हम यहाँ से गूगल करते हैं और google.com पर जाके यहाँ पे लिखते हैं ANSII एनसी टेबल। ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं इमेजेस पर। तो यहाँ से कोई भी एक इमेज हम ले लेते हैं जो थोड़ा सा लार्ज हो के हमें देखने में मदद करे। तो ये एक इमेज आ गया, इसको हमने यहाँ से फर्दर क्लिक कर लिया, ये अलग से खुल गया। अब क्या बता रहा है यहाँ पे, यहाँ पर देखिए ये जो आप कीबोर्ड पे बटन दबा रहे होते हैं, तो जब आप कैपिटल ए दबाते हैं तो बेसिकली बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर जो है इसमें बाइनरी कोड जो जनरेट करता है वो ये होता है। लेकिन मैं आपको अभी बाइनरी की समझा रहा, मैं एक डेसिमल से समझाता हूँ, फिर ये कन्वर्जन समझेंगे कैसे होता है तो आपको बाद में समझ में आएगा। तो अभी हम आ गए कैपिटल ए पे। अब कैपिटल ए पर जो डेसिमल कोड है वो आप नोट करें क्या है, 65। ये कोड है किसका, ए का। मतलब जब ए दबाएंगे कैपिटल तो माइक्रोप्रोसेसर को ये कोड जनरेट करना है जो कि 65 को प्रोग्राम के जरिए कन्वर्ट किया जाता है ए के अंदर। हालांकि इसके बीच में ये कोड पहले कन्वर्ट होता है बाइनरी नंबर के अंदर। बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो माइक्रो प्रोसेसर है और जितने सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं उनका जो बुनियादी बेसिक लैंग्वेज है, जो उनकी कम्युनिकेशन है, वो होती है बाइनरी के अंदर, BINARY बाइनरी। बाइनरी वर्ड निकला है बिन से, बिन के मायने होते हैं टू, और ये लैंग्वेज दो डिजिट पे मुश्तमिल है। अच्छा, आप कह रहे होंगे सर ये तो आपने खुद ही लिख दिया 65 इज इक्वल टू बाइनरी लैंग्वेज में ये होता है, तो इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है बाइनरी लैंग्वेज मशीन की होती है और डेसिमल लैंग्वेज हम लोग नंबर इस्तेमाल करते हैं इंसान, तो इसको कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ से कैलकुलेटर खोलेंगे, कैलकुलेटर खोल के यहाँ से जाएंगे प्रोग्रामर कैलकुलेटर में, प्रोग्रामर कैलकुलेटर में डेसिमल पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक नंबर टाइप करते हैं 65, और देखिए उसको इसने कन्वर्ट किया है 1000001 में। ये ऑक्टल में कन्वर्ट किया है, ये हेक्सा में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आप नोट कर लें, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे समझने के लिए है और ये मशीन के समझने के लिए है। समझ में आ गई मेरी बात, मशीन इसको ऐसे समझती है और ये एक तस्वीर बनाती है, हमें ये ऐसे समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बताता 0100 कोड है तो आप बोलते पता नहीं क्या है, तो मैंने उसको मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से बाइनरी को कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो आपको समझा दिया कि 65 कोड है कैपिटल ए का। तो कैपिटल ए कंप्यूटर के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट एक पिक है, क्या है, पिक्टोरियल है, समझ लें, एक पिक है जिसको वो ड्रा कर देता है। उसको नहीं पता ये ए है बी क्या है, पर उसको ये तस्वीर दी गई है, बोला ये तस्वीर बनाएगी कब, जब ये वाला कोड आएगा, जब ये वाला कोड आएगा तो ये तस्वीर बनाएगा, और ये है कैपिटल ए की तस्वीर। सिमिलरली जब ए से लेके हर किसी एक डिजिट की है तो वो 65 ऑनवर्ड्स है, मतलब 65 से जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर आइए 65 66 पर बी है, सी है, डी है, कैपिटल नंबर चल रहे हैं, और जेड आ गया आपका 90 के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद कुछ स्क्वायर ब्रैकेट्स और इनके भी कोड्स हैं, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट साइन वगैरह के कोड है। अब आ गया स्मॉल है, तो इसमें स्मॉल होगा डेसिमल नंबर है 97 और उसका है डेसिमल कोड है, मतलब जब ये वाला कोड जाएगा मशीन के पास तो वो ये वाली तस्वीर बनाएगा और वो है डेसिमल नंबर बनेगा 97। तो हमारे समझने के लिए कैपिटल ए का नंबर क्या है 65 और स्मॉल ए का नंबर क्या है 97। तो अब इनके दरमियान का डिफरेंस निकालते हैं, तो हम यहाँ से प्रोग्रामर कैलकुलेटर से स्टैंडर्ड कैलकुलेटर पर और यहाँ पर आ गए 97 - 65। ठीक है, क्लिक कर दिया, जैसे ही किया 97 - 65 इक्वल, तो क्या डिफरेंस आया बीच में 32। मतलब ये एक डिफरेंस है, 65 में 32 प्लस होंगे तो स्मॉल ए आ जाएगा और 97 में से माइनस होंगे 32 तो स्मॉल ए आ जाएगा। सिमिलरली ये 32 का डिजिट आपको तमाम एबीसी को कैपिटल और स्मॉल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, इस प्रोग्रामिंग कोड में हमें करना कुछ इस तरीके से है कि हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद हमने यही आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश की थी, ये कोई प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है लेकिन ये सिर्फ समझने की चीज है। ठीक है तो इसी डिफरेंस को जहन में रखते हुए हमें ये कन्वर्जन देखना है। अब कन्वर्जन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज करने के लिए ऊपर एक फाइल ऐड कराई है जिसका नाम है हेडर फाइल include string। ठीक है,
इंक्लूड स्ट्रिंग क्या है, इस स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर तमाम फंक्शंस हैं जो डील करते हैं स्ट्रिंग्स को। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बहुत मुश्किल सी बात बता दी, क्या बात करनी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। अभी देखिए मैं आपको आसान करके समझाऊंगा, आप बोलेंगे हाँ सर तो भी समझ में आ गई बात, एक्सेल बोल लिया। यूँ समझे एक्सेल जो है ना वो किसी भी लैंग्वेज का जो है ना एक ग्राफिकल वर्जन है। अच्छा देखें, जब एक्सेल आप सीख रहे थे तो एक्सेल में आपको मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला में जाके टेक्स्ट फंक्शन, तो क्या बताया था, ये सारे फंक्शन डील करेंगे किसको, टेक्स्ट को, नंबर को डील नहीं करेंगे, जिसमें अपर केस लोअर केस लेफ्ट लेंथ, लेंथ फंक्शन क्या कर रहा था, तमाम टेक्स्ट की लेंथ कैलकुलेट करके दे देता था। भाई देखिए मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा राशिद अली, ठीक है, अब इस राशिद अली की लेंथ क्या है, मतलब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं विद स्पेस विदाउट स्पेस, तो हम क्या करते थे टेक्स्ट को यहाँ से एक लेंथ फंक्शन लेते थे और उसको क्लिक करते थे, यहाँ पे क्लिक करते 11 बता रहा है, अब जिसका लिखेंगे 12 है 13 है 14 बताएगा, तो ये टेक्स्ट क्या हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आसान करके समझाऊं मैं सी की लगान में, तो ये एक टेक्स्ट की हेडर फाइल है और ये उसके अंदर फंक्शन है जो इस टेक्स्ट की हेडर फाइल के साथ हमें मिल रहे हैं। हम इन फंक्शन को समझ लेंगे तो हम टेक्स्ट के ऊपर काम लेना सीख जाएंगे, राइट। अगर ये टेक्स्ट की हेडर फाइल यहाँ पे नहीं होती, अब फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक्सेल में चॉइस नहीं है, मतलब हम इसमें इसको डिलीट नहीं कर सकते, हालांकि कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, लेकिन कहने का मकसद यूजुअली एक आम आदमी इसको डिलीट नहीं कर सकता और ना ही इसमें कोई चीज ऐड करा सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन सी चूंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेवल का स्कोप रखता है तो उसका स्कोप एक्सेल से भी बड़ा है, मतलब सी में हम एक्सेल बना सकते हैं, बात समझ रहे हैं, सी में हम एक्सेल बना सकते हैं, तो इसलिए हमारी मर्जी है कि हम किसको ऐड कराएं और किसको ऐड नहीं कराएं। तो यहां पर हमने स्ट्रिंग एच ऐड कराई है, तो अब स्ट्रिंग फाइल के अंदर कितने फंक्शंस आते हैं वो कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा गूगल बाबा या चैट जीपीटी के पास जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे बताओ इसमें कितने आते हैं, या तो हमारा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि हमें याद रहते हो, तो हम यहां लिखते हैं स्ट्रिंग फाइल फंक्शंस, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग फाइल फंक्शन, तो बता रहा है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है, कॉन्कैटेनेट फंक्शन है, सेम फंक्शन है। अगर एक्सेल आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो इनको सिर्फ आपने ये समझना है कि भाई ये इस्तेमाल कैसे होंगे और इनका काम क्या, 10 एसेंशियल स्ट्रिंग फंक्शंस। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये देखिए पहला फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है जो स्ट्रिंग्स को कॉपी करने के लिए काम में आता है, कॉन्कैटेनेट फंक्शन है और फिर कंपेयर फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम फिर समझते जाएंगे, इसमें एक साइज फंक्शन होगा अगर उसने टॉप 10 में लिखा है, ठीक है, वरना इसकी पूरी डिटेल निकालेंगे उसमें होगा साइज फंक्शन। तो बहरहाल अब हमारा यहाँ पे जो यूज कर रहे थे, हमारे पास जो फंक्शन हमने यूज करना है वो है हमारा साइज फंक्शन जो इसमें से हमें मिलेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, साइज बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा, नहीं नहीं साइज बताएगा, लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है भाई, जैसे उजेर UZAIR उजेर, उसमें कितने लेटर्स आ गए, 5, तो साइज फंक्शन बताएगा इसमें 5 5 लेटर्स है, उजेर शेख, तो उजेर शेख में स्पेस भी काउंट होगा और शेख के अंदर SHAIKH 6 और 5 11 एक स्पेस है तो 12 होंगे वरना 11 होंगे, तो ये फंक्शन ये काम करेगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, अब इसको वेरिएबल तो नहीं कहते, इसको एरे ही कहते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझ लेंगे कि स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हमने, अच्छा ठीक है, और इसके अंदर एक वैल्यू असाइन करी माय नेम इज राशिद, ठीक है, क्या असाइन किया हमने इसके अंदर, माय नेम इज राशिद। अब मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो अभी मैंने आपको 32 का डिफरेंस समझाया, जैसे भाई अगर m की वैल्यू सपोज टू बी कैपिटल में 73 है तो उसमें 32 प्लस करेंगे तो उसी का स्मॉल वर्जन आ जाएगा, सही है, ये ध्यान में रखना है। तो अब हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया, तो लास्ट टाइम हमने सीखे थे फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हम सी में लिखते थे, लेकिन इस पे जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे किया फॉर, फॉर का लूप क्या करता है, लूप किसी भी कोड को बार बार प्रोसेस करता है, तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, होल नंबर को स्टोर करता है, जो इसका नाम था एक्स, ठीक है, ये फोर का क्या है, इनिशियल वेरिएबल है, इसको हम फोर का काउंटर भी कहते हैं, ये फोर का काउंटर के लिए वेरिएबल के लिए जो फोर के लूप को चलाएगा, और ये कहां तक चलेगा, तो हमने सिंपली लिख सकते थे 10 तक चले, 15 तक चले, 20 तक चले, पर वो फिक्स हो जाता, तो हमने इसको कहा कि ये कहां तक जाएगा, एक्स की वैल्यू जब तक लूप चलाते रहो जब तक कि एक्स की वैल्यू टेक्स्ट डॉट साइज के बराबर ना हो। अब ये बात मुझे नहीं समझ में आई, भाई देखें टेक्स्ट इज एरे का नाम है और इसकी जो एक स्ट्रिंग एरे या स्ट्रिंग वेरिएबल कहने इसको आप, इसकी जो लेंथ है मतलब 6 राशिद के 4 10 2 12 2 14 15 16 17 तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये लूप 17 बार चलेगा, ठीक है, अगर मैं और एड कर दूंगा तो उतनी बार चलेगा, और एड कर दूंगा कम कर दूंगा तो उतनी बार चलेगा, और जितनी बार चलेगा
अब जीरो से स्टार्ट होगा और 70 तक पहुंचने के लिए इसको कितने दफा स्टेप लेने हैं, वन का स्टेप लेना है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन टू प्लस वन टू थ्री प्लस वन फोर प्लस वन फाइव, इस तरह चलना है। तो ये टोटल चलेगा इस दफा 17 बार। अब ये इसके आ गए 4 का बॉडी ब्लॉक, 44 का बॉडी ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक आ गया इसका जो यहाँ पे एंड हो रहा है। अब 4 के लूप के अंदर अगर डायरेक्टली 4 का लूप चला देंगे, मिसाल के तौर पर हम ये कंडीशन ना लिखे, तो क्या होगा, 4 का लूप 17 बार चल के रुक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस कंडीशन से हम डिटरमाइन करेंगे कि कब और क्या प्रोड्यूस करना है। अब इस इफ की कंडीशन को हमने लूप के अंदर डाल दिया और कहा चेक करो, अब ये चेक क्या करेगा, थोड़े छोटा सा हम एक्सेल के पर चलते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये एक एक्स है और उसके अंदर हमने क्या लिखा, माय नेम इज राशिद, तो एम वाई स्पेस एन ए एम, थोड़ा सा कम कर लूँ उसको टेक्स्ट को, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 17 से कम करके मैं इसमें कर देता हूँ राशिद अली कर देता हूँ, तो ये हटा देता हूँ उसमें से, फिर समझ में आ जाएगा, तो फिर जितना आप ऐड करेंगे इसमें जाएगा, राशिद अली कर दिया मैंने इसमें, तो अच्छा कैपिटल लिख दिया तो इसको स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा आर ई एस एच आई डी स्पेस ए एल और आई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया राशिद अली। अब राशिद अली कंपोजिशन होगी इसकी, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके होम में गया और यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा दिया, फॉर्मेट पे गया, ऑटोफिट पे क्लिक किया, ऑटोफिट कॉलम वेट कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास राशिद अली। अब इसको समझने के लिए हमने आपको ये समझाया है कि मेमोरी के अंदर जो एक्स की वैल्यू है कैसे स्टोर हुई है, एक्स की वैल्यू जो है कैसे स्टोर हुई है, तो ये ऐसे स्टोर हुई है भाई, ये देखिए मेमोरी में ये इस तरह का एक ब्लॉक बना है, या के डबल कोक ऑटोफिट करता हूं मैं इसको, ठीक है। मेमोरी में ये ऐसे स्टोर हुआ होगा, एक एक बिट के अंदर गया होगा, ये इसका बिट जीरो होगा, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ठीक है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है। मतलब मेमोरी के अंदर एक ऐसा ब्लॉक बना होगा, उस ब्लॉक में सिर्फ ब्लॉक का नाम होगा क्या, एक्स, x के पहले मेंबर का नाम क्या होगा, जीरो, दूसरे का क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और आगे लिखेंगे तो और ऐसे ऐड होते चले जाएंगे। तो अब इसमें हमें पता क्या चला, h की पोजीशन क्या है, थ्री, r की पोजीशन क्या है, जीरो, i की पोजीशन क्या है, नाइन, ठीक है, समझ में आई बात। तो हमारा लूप चुप चलेगा, तो आगे चलते हैं क्या कर रहा है, इफ टेक्स्ट x, अब टेक्स्ट x, टेक्स्ट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जीरो, या इसमें कि इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इफ टेक्स्ट जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अभी मैंने आपको समझाया ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, ए की एस की कोड में वैल्यू क्या है, 97, ठीक है ना, चेक करो कि अगर एक्स टेक्स्ट के जीरो जीरो मेंबर की वैल्यू बड़ी है ए से, तो ए नहीं इनडायरेक्टली वो कह रहा 97 से अगर बड़ी है तो क्या बड़ी होगी, फर्स्ट दफा जब लूप चलेगा, नहीं होगी, नहीं होगी, और ये भी चेक करो, और टेक्स्ट एक्स की वैल्यू लेस देन है जेड से, अब जेड की वैल्यू क्या होगी, 97 तो वो है, 90 की वैल्यू क्या होगी, 122, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू होगी 0 और इसकी वैल्यू होगी 122, तो दोनों सूरतों में कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी, क्योंकि जीरो इससे भी छोटा है और जीरो इससे छोटा है, बड़ा नहीं है, और जीरो इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा है, तो अगर एंड बीच में लगा हुआ है तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो दोनों कंडीशन कंसीडर क्या होंगी, फॉल्स होगी, दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर आएगा फॉल्स। अब फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला प्रोसेस नहीं चलेगा, जब नहीं चलेगा तो लूप ऊपर चला जाएगा तो वन पर आएगा, ठीक है, वन पर आएगा तो भी यही मामला होगा, टू पर आएगा तो भी यही मामला होगा, थ्री पर आएगा तो भी यही मामला होगा, तो 17 टाइम्स में ये इसको, अच्छा सामने जब ये ऊपर चला जाएगा इसको माइनस करेगा तो माइनस इक्वल टू 32, अब उसमें से वो उसको माइनस भी करेगा, अगर यहां पर देखा एफ एक्स टेक्स्ट जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर इसकी वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू जीरो ग्रेटर है एक्स ए से, तो ग्रेटर तो नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 97 है और इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और जेड से छोटी है तो जेड से छोटी भी नहीं होगी, जेड 122 है, छोटी तो होगी लेकिन अगर इन दोनों में से कंडीशन फॉल्स होती है तो वो टेक्स्ट जीरो को जाके उसमें से 32 माइनस करेगा,
अच्छा, अब अगर 32 माइनस करता है तो यहां पर r लिखा हुआ है, तो हमने पहले r की वैल्यू भी तो देखनी है ना, r की वैल्यू क्या है। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है, स्मॉल r की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, 162। तो टेक्स्ट जीरो का मतलब क्या है कि पहले क्या लिखा हुआ है, r। तो r जो है वो फिक्स हो रहा है x की जगह पे, ठीक है। तो r की वैल्यू है 162। तो देखें a से तो बड़ा हो गया और z से छोटा भी है, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू। भाई देखिए मैं यहां लिखता हूं रफ अमल में, r की वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 162, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, और a की वैल्यू क्या है, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो a की वैल्यू है 97 और z की वैल्यू क्या है 122, सही है। अब आए पहली दफा लूप चला, टेक्स्ट जीरो, टेक्स्ट जीरो मतलब टेक्स्ट जीरो में क्या है, टेक्स्ट जीरो में है r, और r की जो s की नंबर पे वैल्यू है वो क्या है 162, 162 97 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो गई, टिक हो गया, और 122 से छोटा है तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला कोड डेफिनेटली चलेगा। अब जब वो नीचे आया तो टेक्स्ट x में r की वैल्यू है जो कि कितनी है 162, उसमें से माइनस करेंगे कितने 32। अब मैं यहां पे माइनस करता हूं, यहां पे कॉमा लगा के 162 माइनस 32 कितने बचेंगे, सॉल्व करें उंगलियों पे, 132 बचेंगे, 130। ओके 130 देखते हैं, 130 नंबर पे क्या है, आप ये वो वाली ले लो यहाँ से होगा, हाँ 130 नंबर, वो